यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। अभी अभी खार्किव पर 5 ड्रोन हमले हुए हैं। बीती रात से जारी हैं रूस के हमले। तो अभी अभी खार्किव पर 5 ड्रोन अटैक, यूक्रेन के रूस पर हमले जारी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव का बचना अब असंभव हो गया है। अगर नेटो के हथियारों से रूस की धरती पर हमले नहीं रुके, अगर रूस की धरती पर यूक्रेनी फोर्स इसी तरह से विनाश की आग भड़काती रही, तो रूस कीव पर सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही कब्जा कर लेगा। कीव फतेह का यह फैसला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। रूस का कीव विजय प्लान लॉन्च होने वाला है। इस बात का संकेत तब मिला जब 4 दिन के अंदर रूस ने कीव पर तीसरी बार बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात कर दिया। 52 मिसाइल, 21 फैब 500 बम और 77 ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी कीव में ताबड़तोड़ विस्फोट हुए और इसी के साथ कीव में बहुत बड़ा विनाश हो गया। यूक्रेन के एयर डिफेंस ध्वस्त हो गए, कई इमारतें आग की लपटों में जल गईं। ये कुर्स्क में यूक्रेन के हमले का बदला है। रूसी सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर ऐसा हमला किया कि कीव की तस्वीर बदल गई। रूस के विस्फोट से कीव लगातार 6 घंटों तक दहलता रहा। कीव में 6 घंटों तक अलर्ट अलार्म बजता रहा। इसी के साथ कीव में इमरजेंसी लग गई। रूस के हमले के बाद जब कीव में अलर्ट अलार्म बजा, तो जान बचाने के लिए लोगों को बंकर और सबवे में छिपना पड़ा। कीव के मेयर के मुताबिक 4 दिनों के अंदर कीव में रूसी सेना का यह तीसरा सबसे बड़ा हमला है। रूस का हमला रात में शुरू हुआ जो सुबह तक जारी रहा। रूस के एयर ऑपरेशन के बाद कीव में एक के बाद एक कई धमाके हुए। मिसाइल और ड्रोन धमाकों के साथ ही कीव की कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। रूस के हमले में कीव में तैनात 3 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। हमले की वजह से यूक्रेन के 2 पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में उस हथियार गोदाम को नुकसान पहुंचा है जहां यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रखी थी। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की 8 मिसाइलों और 15 शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन दर्जनों मिसाइल और ड्रोन धमाका करने में कामयाब रहे। कीव पर विध्वंसक हमले के साथ ही पुतिन ने बेलारूस फ्रंट को भी एक्टिव कर दिया है। बेलारूस में रूसी सेनाएं यूक्रेन बॉर्डर की ओर बढ़ रही हैं। पुतिन और लुकाशेंको ने कीव को मिटाने की कसम उस वक्त खा ली जब यूक्रेन का एक ड्रोन पहली बार बेलारूस के एयर स्पेस में घुस गया। बेलारूस के गोमेल इलाके में सुबह 3:30 बजे यूक्रेन का ड्रोन पहुंच गया। इस बात की जानकारी मिलते ही बेलारूस के फाइटर जेट्स रवाना हो गए। सुबह 3:55 पर बेलारूस के लड़ाकू विमान ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। ये पूरा ऑपरेशन किस तरह चला, इसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। पुतिन का प्लान है कि अगर यूक्रेन ने कुर्स्क समेत रूस के 6 प्रांतों को पूरी तरह खाली नहीं किया, रूस के 6 राज्यों में सैन्य ऑपरेशन बंद नहीं किया, तो रूसी सेना 7 दिनों के अंदर ही कीव पर कब्जा कर लेगी। इस बाबत पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है।
तो 7 दिनों में रूसी फौज यूक्रेन पर कैसे कब्जा करेगी, अब इसे समझिए। सबसे पहले कीव पर आसमान से भीषण बमबारी करने का प्लान है। इसके बाद यूक्रेन की राजधानी पर काला सागर से मिसाइल वर्षा की जाएगी। बमबारी के साथ ही रूस बेलारूस फ्रंट खोल देगा। रूसी सेना बेलारूस की तरफ से कीव में घुस जाएगी। एक साथ 4 तरफ से कीव पर आक्रमण करने की रणनीति है। एक साथ बेलारूस, सूमी, खार्किव और चेर्निहिव से धावा बोला जाएगा। घुसपैठ के साथ ही रूसी सेना कीव में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगी। जमीनी जंग के बाद कीव पर कब्जे की तैयारी। पुतिन ने सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस फ्रंट नहीं खोला है, बल्कि नेटो के खिलाफ भी बेलारूस मोर्चे को सक्रिय कर दिया है। रूस बेलारूस से लगने वाले यूरोपीय देशों की सीमाओं पर सेना और हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। पुतिन और उनकी सेना बेलारूस में एटम बम और दूसरे विध्वंसक हथियार पहले ही पहुंचा चुके हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन यूरोप में मौजूद नेटो देशों के संघार का अभियान शुरू कर सकते हैं। इन सब के बीच यूक्रेन ने गोरिल्ला हमला कर रूस के 2 और प्रांतों को दहला दिया। रूस के दोनों राज्यों में एनर्जी सेक्टर पर हमला हुआ। यूक्रेन ने रियाजान और रोस्तोव में एक बार फिर से ड्रोन विस्फोट किया। हमले से रियाजान में रूस का पावर स्टेशन जल गया। रोस्तोव में एटलस ऑयल डिपो में भयंकर आग लग गई। अगर रूस के अंदर यूक्रेन के ये हमले नहीं रुके तो माना जा रहा है कि रूस कीव फतह का अभियान लॉन्च कर देगा। 7 दिनों के अंदर ही कीव पर विजय का परचम फहराने की तैयारी है। रूस ने कीव पर धावा बोला तो जंग में नेटो की एंट्री तय है। ऐसे में नेटो को रोकने के लिए ही रूस ने यूरोप से लगती बेलारूस की सीमाओं पर जबरदस्त तैनाती कर दी है, ताकि जरूरत पड़ने पर नेटो को भी सबक सिखाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए डोनबास से बड़ी खबर है। डोनबास क्षेत्र में रूसी सेना को बढ़त मिली है। डोनबास के 2 गांवों पर रूस का कब्जा हो गया। जंग में यूक्रेन के 530 सैनिक मारे गए। और यूक्रेन के कब्जे में जा चुके कुर्स्क क्षेत्र को आजाद कराने के लिए पुतिन महासंग्राम की तैयारी कर चुके हैं। रूस ने कुर्स्क की जंग में अपने मित्र देश बेलारूस को उतारने का फैसला ले लिया है, क्योंकि कुर्स्क की जंग में यूक्रेन को विदेशों से सीधी मदद मिल रही है और जंग में विदेशी सैनिक और मर्सिनरी यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह पुतिन ने भी यूक्रेन को पीछे हटाने या फिर दोहरे व्यूह में घेर कर मारने की तैयारी की है। देखिए क्या है पुतिन का प्लान बेलारूस, कैसे इस प्लान से यूक्रेन और अमेरिका का संकट बढ़ने वाला है और कुर्स्क की जंग पूरे यूरोप में कैसे फैल सकती है। कुर्स्क की जंग का अंत करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे यूक्रेन ही नहीं पूरा यूरोप खतरे में पड़ने वाला है। यूक्रेन ने कुर्स्क की जंग में अब तक 1280 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका कब्जा कर लिया है। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना ने सरप्राइज हमला किया था, लेकिन इस हमले की रणनीति तैयार की अमेरिका, ब्रिटेन और पोलैंड ने। लेकिन अब रूस ने जंग की बाजी पलटनी शुरू कर दी है। पुतिन ने कुर्स्क की रक्षा के लिए विशेष बंदोबस्त कर दिए हैं।
कुर्स्क की जंग में पुतिन ने 30,000 नए सैनिक उतार दिए हैं। ये कुर्स्क परमाणु ऊर्जा प्लांट के करीब से लेकर यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र तक जंग लड़ेंगे। इसके साथ ही बेलगोरोद को बचाने के लिए रिजर्व फोर्स की तैनाती की जा रही है। ये रिजर्व फोर्स ब्रियांस्क और वोरोनिश क्षेत्र में भी जंग लड़ेगी। रूस ने इस नई तैनाती से पहले चेचनिया की अखमत फोर्स को कुर्स्क की जंग में उतारा था। अखमत फोर्सेस को जंग में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अखमत फोर्सेस ने 28 अगस्त को कुर्स्क में 112 लड़ाकों को ढेर कर दिया। ये पोलैंड और जर्मनी के मर्सनरीज थे। सब यूक्रेन की वर्दी पहने हुए थे। यूक्रेन के लिए जंग यूरोप के कई देशों से भेजे गए मर्सनरी लड़ रहे हैं। यही कुर्स्क में ड्रोन और रॉकेट हमले भी कर रहे हैं। कुर्स्क की जंग में अब तक यूक्रेन के अलावा कई देशों के सैनिक और लड़ाके मारे जा चुके हैं। कुर्स्क की जंग में अब तक अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, लात्विया, लिथुआनिया के लड़ाके मारे जा चुके हैं। पुतिन ने भी अब नेटो की रणनीति से उसको जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। कुर्स्क और बेलगोरोद में नई सैन्य तैनाती के बाद पुतिन अपने मित्र देश बेलारूस को भी जंग में उतारने वाले हैं। पुतिन के आदेश पर बेलारूस ने यूक्रेनी सीमा पर टैंक और जवान तैनात कर दिए हैं। इन टैंकों पर बी अक्षर लिखा हुआ है। यूक्रेन की सीमा पर इस वक्त 15,000 से ज्यादा टैंक और सेना तैनात है। कुर्स्क पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने बेलारूस के फ्रंट से फौज हटा ली है। इस वक्त बेलारूस से सटे यूक्रेनी इलाके में सेना नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाकर पुतिन ने बेलारूस के जरिए यूक्रेन पर दोहरी व्यूह रचना की है। बेलारूस की सेना यूक्रेन बॉर्डर से सटे गोमेल क्षेत्र में मौजूद है। ये यूक्रेन की सीमा से 24 किलोमीटर दूर है। पुतिन का प्लान ए है कि यूक्रेन पर बेलारूस से गोलाबारी शुरू कराई जाए। इस वक्त यूक्रेन के सीमाई इलाकों में सेना मौजूद नहीं है। ऐसे में यूक्रेन को अपनी सीमा सुरक्षा के लिए कुर्स्क से सेना हटाकर बेलारूस बॉर्डर पर तैनात करनी होगी। अगर ऐसा होता है तो कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी घट जाएगी और रूसी सेना के नए तैनात हुए जवान आसानी से कुर्स्क से यूक्रेन की बची खुची फौज को खदेड़ देंगे। पुतिन का प्लान भी यह है कि यूक्रेन पर बेलारूस से हमले शुरू करा दिए जाएं। ऐसे में बेलारूस के टैंक और जवान सीमा लांघकर यूक्रेनी शहरों में हमले शुरू कर देंगे। उत्तर पूर्वी यूक्रेन इस समय खाली है और ऐसे में आसानी से बेलारूस की सेना सूमी तक पहुंच जाएगी। यही से यूक्रेन कुर्स्क में हथियार और रसद सप्लाई कर रहा है। सूमी में घिराव होते ही कुर्स्क में तैनात हुए रूस के नए सैनिक सामने से हमले शुरू कर देंगे। यूक्रेनी सेना दोहरे हमलों में घिर जाएगी और सैनिक मारे जाएंगे। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. यूक्रेन ने इस उम्मीद में कुर्स्क पर हमला किया था कि इससे रूस पर दबाव बढ़ेगा और ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। यूक्रेन की सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिर्स्की ने यह बात कबूल की है। यूक्रेन के कुर्स्क ऑपरेशन का असर उल्टा हुआ है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि कुर्स्क हमले के बाद यूक्रेन के साथ शांति वार्ता की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी दूत
दिमित्री पोलियांस्की ने कहा है कि यूक्रेन को कुर्स्क उत्पाद की पूरी कीमत चुकानी होगी। कुर्स्क की जंग अब न्यूक्लियर खतरे की ओर बढ़ रही है और इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में चिंता भी जताई गई है। कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब जंग जारी है। किसी भी युद्ध में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूरोप में दो दो न्यूक्लियर पावर प्लांट जंग के बीच घिरे हैं। रूस ने इस मुद्दे को यूएन में भी उठाया है और इसी आधार पर कुर्स्क की सुरक्षा के लिए बेलारूस को जंग में उतारने वाला है। यूक्रेन ने भी बेलारूस को चेतावनी जारी कर दी है। यूक्रेन ने कहा है अगर उसकी जमीन पर बेलारूस से हमले हुए तो पलटवार तय है। बेलारूस पहले ही यूक्रेन पर युद्ध के उकसावे का आरोप लगा चुका है। बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी तैनात कर रखे हैं। अगर कुर्स्क की जंग में बेलारूस की एंट्री हुई तो यूरोप का तीसरा देश जंग में उतर जाएगा और इसके बाद आशंका है कि जंग रूस के पड़ोसी देशों से होते हुए पूरे यूरोप में फैल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष। और अवदीवका में रूस के आर्टिलरी हमले, यूक्रेन के कई सैन्य वाहन नष्ट हुए, कई यूक्रेनी चौकियों पर रूस की गोलाबारी। तो बीते 60 दिनों से रूसी धरती पर जो कोहराम मचा, भले ही उसके लिए जिम्मेदार यूक्रेन को माना जा रहा है, मगर रूस का आरोप है कि यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा है। असल में कुर्स्क से लेकर पश्चिमी रूस तक के इलाके का तहलाने का प्लान अमेरिका ने तैयार किया है। बाइडेन के इशारे पर यूक्रेन को हथियार मिले, लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी गई और जिसके इस्तेमाल से यूक्रेन ने रूसी सरजमी पर ताबड़तोड़ हमले किए। और सब ये अब आशंका जता रहे हैं कि अगले चंद दिनों में रूस के 250 से ज्यादा विमानों पर ATACMS से प्रहार होगा। आखिर क्या है रूस के खिलाफ बाइडेन का ऑपरेशन ऑल आउट, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की भागीदारी, यूक्रेन के साथ नेटो की साझेदारी इतनी बढ़ चुकी है जिसे देख प्रेसिडेंट पुतिन भड़के हुए हैं। प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। पुतिन के सिर पर खून सवार है। वो यूक्रेन के विनाश के साथ साथ अमेरिका और नेटो पर विध्वंसक प्रहार की तैयारी कर रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है बीते 60 दिनों में पुतिन को घेरने के लिए, रूसी सेना को वॉर जोन में सरेंडर करने के लिए बाइडेन और उनके सहयोगी देशों की तरफ से उठाए गए कदम। दरअसल वॉर एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने रूस के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन एक्टिव किया। जिसके तहत ऑपरेशन ऑल आउट का पहला दांव यूक्रेन को कुर्स्क समेत कई इलाकों पर हमले की जिम्मेदारी दी। ऑपरेशन ऑल आउट का दूसरा दांव नेटो देशों की मदद से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिए। ऑपरेशन ऑल आउट का तीसरा दांव रूस पर हमले के लिए यूएस हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी। ऑपरेशन ऑल आउट का चौथा दांव स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प और अटैकेमस मिसाइलों की खेप यूक्रेन भेजी। और अब खबर सामने आ रही है कि जल्द ही यूक्रेन फ्रंटलाइन से सटे रूस के 250 से ज्यादा टारगेट पर एक साथ हमले की तैयारी कर रहा है।
दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम ओमारोव और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात के बाद किसी भी वक्त रूस के 250 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा सकते हैं। जिनमें रूसी वायुसेना के एयरबेस, रूसी फौज के मिलिट्री बेस और हथियार डिपो भी शामिल हैं। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस के 100 से ज्यादा एयरबेस और मिलिट्री ठिकाने अमेरिका की ATACMS टैक्टिकल मिसाइल के टारगेट पर। आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना जिस अमेरिकी ATACMS टैक्टिकल मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है उसकी मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। मतलब यह कि यूक्रेनी बॉर्डर से 300 किलोमीटर का रूसी इलाका एक ऐसा बफर जोन बन चुका है जहां किसी भी यूक्रेनी सेना ATACMS मिसाइलों से किसी भी वक्त प्रहार कर सकती है। जिसका मतलब यह कि फ्रंट लाइन से 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाला रूस का हर प्रांत, वहां मौजूद एयरबेस या फिर सैन्य अड्डा ATACMS के सीधे टारगेट पर। अब आपको वो एयरबेस बताते हैं जहां ATACMS से हमला होने की आशंका जताई जा रही है। पहला टारगेट कुर्स्क प्रांत में मौजूद खलिनी एयरबेस है जो फ्रंट लाइन से महज 95 किलोमीटर की दूरी पर। वही पश्चिमी रूस के वोरोनिश प्रांत में बाल्टीमोर एयरबेस है जो यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, वहां भी हमला हो सकता है। इसके अलावा वोरोनिश में मौजूद बोरिसोग्लेब्स एयरबेस भी यूक्रेन ATACMS मिसाइल की रडार में है और वहां भी यूक्रेन प्रहार कर सकता है। यूक्रेन बॉर्डर से बोरिसोग्लेब्स एयरबेस की दूरी करीब 260 किलोमीटर। इसके अलावा क्रीमिया का साकी और बेलबर्ग एयरबेस भी यूक्रेनी सेना ATACMS टैक्टिकल मिसाइलों से तबाही मचा सकती है। रूस के खिलाफ पिछले 60 दिनों में हुई इन साजिशों से अब क्रेमलिन भी अलर्ट मोड में आ चुका है। क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि जैसे ही शुक्रवार को यूक्रेन और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात होगी, इसके फौरन बाद यूक्रेन ब्रिगेड रूस के 250 ठिकानों पर एक साथ ATACMS टैक्टिकल मिसाइल से प्रहार करेगी। बस यूक्रेन जरिया बना। बाइडेन ने रूस में विनाशक तबाही मचाने की जो पटकथा लिखी उसे देखते हुए रूसी डिफेंस ने भी फ्रंट लाइन यानी यूक्रेन बॉर्डर से 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एयरबेस और सैन्य ठिकानों से अपने बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को किसी और लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया है। ताकि उसके आसमानी जंगबाज ATACMS टैक्टिकल मिसाइल के रेंज से बाहर हों। गौर करने वाली बात यह है कि 26 जुलाई से अब तक यूक्रेनी ब्रिगेड रूस के 10 से ज्यादा एयरबेस को निशाना बना चुकी है। ऐसे में अगर क्रीमिया की तरह यूक्रेन ने पश्चिमी रूस पर ATACMS से प्रहार किया तो भीषण तबाही मच सकती है। रूसी एयरबेस, लड़ाकू विमान और एटमी बम वर्षकों की दुर्गति हो सकती है। ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही है कि हर फ्रंट से घिर चुका रूस अब यूक्रेन या फिर नेटो देशों में बड़ा हमला कर सकता है। किसी भी वक्त पुतिन अपनी सेना को अब तक के सबसे विध्वंसक हमले का ऑर्डर दे सकते हैं।
लिहाजा अमेरिका और नेटो देशों ने रूस के फ्यूचर अटैक प्लान को भांपते हुए रूसी बॉर्डर से सटे तमाम देशों पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। कुर्स्क में रूसी एयर डिफेंस का एक्शन, बड़ी खबर, पंसेर सिस्टम से गिराया यूक्रेनी ड्रोन। तो पंसेर सिस्टम से यूक्रेनी ड्रोन गिरा दिया रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का। आप देखिए कैसे यहां पर बड़ा अटैक यूक्रेनी ड्रोन को गिरा दिया पंसेर एयर डिफेंस सिस्टम से रूस। तो पेंटागन की एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अमेरिका पर परमाणु हमले की आशंका जताई गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में घिरती जा रही है जिसमें हजारों लाखों लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट आ गया है और आ सकता है, और इसके लिए परमाणु विनाश जिम्मेदार हो सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट में वो कौन से देश हैं जिनसे अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक खतरा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। यूरोप से लेकर अरब तक, अरब से लेकर अमेरिका तक परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। कभी भी एटमी तबाही आ सकती है और कभी भी दुनिया के शक्तिशाली देश सुलग सकते हैं, और उसके पीछे होगा इस वक्त दुनिया का सबसे विनाशक गठबंधन, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ये चारों ही देश एटमी पावर से लैस हैं और चारों की ही अमेरिका से तनातनी है। इसलिए खतरा बढ़ जाता है कि चारों मिलकर परमाणु हमला करके अमेरिका में तबाही मचा सकते हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि अगर दुनिया में परमाणु युद्ध की शुरुआत हुई तो इसके लिए यही चार देश जिम्मेदार होंगे। जबकि परमाणु युद्ध शुरू होने का ट्रिगर पॉइंट नॉर्थ कोरिया हो सकता है। अगर अमेरिका ने किम पर प्रतिबंध बढ़ाए तो फिर वो अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकते हैं। नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, इससे अमेरिका तमतमा रहा है। पेंटागन को पक्का यकीन है कि किम जोंग उन मिसाइल टेस्ट के अलावा जल्द ही परमाणु परीक्षण कर सकता है। इसकी तैयारी भी चोरी छिपे की जा रही है। न्यूक्लियर साइट को फिर से तैयार किया जा रहा है जिसमें रूस उसकी मदद कर रहा है, जिसके एवज में नॉर्थ कोरिया रूस को यूक्रेन से लड़ने के लिए मिसाइल भेज रहा है। पिछले 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर जो बड़े हमले किए, बताया जा रहा है कि वो नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों से किए गए थे। कुछ घंटे पहले नॉर्थ कोरिया ने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया है। कहा जा रहा है कि इसे भी वो रूस को सप्लाई कर सकता है। ट्रक माउंटेड 240 मिलीमीटर मिसाइल लॉन्चर की टेस्टिंग से एक दिन पहले ही साउथ कोरिया ने कहा कि फरवरी के बाद से रूस को नॉर्थ कोरिया से सप्लाई होने वाले हथियार दो गुने हो चुके हैं। यानी पुतिन किम की दोस्ती पेंटागन के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। उधर रूस भी ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को हथियार भेज रहा है, जबकि रूस की तरह चीन ने भी हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ये संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल ये अमेरिका को चारों मोर्चों पर घेरने की तैयारी है। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध पहला मोर्चा, दूसरा मोर्चा मिडिल ईस्ट में ईरान इसराइल युद्ध, तीसरा मोर्चा साउथ चाइना सी में चीन अमेरिका में ताइवान फिलीपींस जापान को लेकर तनातनी, और चौथा मोर्चा साउथ कोरिया को लेकर अमेरिका से किम का टकराव। इन चारों मोर्चों पर अमेरिका फंस चुका है। अब अगर अमेरिका पलटवार करता है तो चारों मिलकर अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, जिसमें शुरुआत नॉर्थ कोरिया कर सकता है। पेंटागन के रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले आईसीबीएम से नॉर्थ कोरिया के हमले की आशंका है, उसके तुरंत बाद 40 मिनट में ही पैसिफिक सी में मौजूद नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर सबमरीन हमला कर देगी। इस हमले में अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, और अगर युद्ध लंबा खींचा तो पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या 200 करोड़ तक पहुंच सकती है।
हालांकि ये एक अनुमान है जो पेंटागन ने लगाया है कि कैसे दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका का अंदेशा अगर सही हुआ तो दुनिया में भारी तबाही मचेगी। हालांकि रूस अमेरिका में वार्ता नहीं होनी भी इसका एक बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि किम के हमले के बाद अगर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर मिसाइल छोड़ी तो कहीं रूस इसे खुद पर हमला ना समझ ले। ऐसे में रूस आर्कटिक में अपने साइलो से फ्लोरिडा और उसके पास के स्टेट पर हमले कर सकता है। इसके अलावा क्यूबा के पास रूस ने अपना न्यूक्लियर बेड़ा भी तैनात किया हुआ है। युद्ध की स्थिति में वो अमेरिका पर परमाणु अटैक कर सकता है। जबकि अमेरिका जवाबी एक्शन में नेटो देशों से रूस पर एटमी अटैक करा सकता है। यानी नॉर्थ कोरिया से शुरू हुई जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है और एक बड़े परमाणु विनाश में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान और इजराइल की बढ़ती अदावत के बीच युद्ध की एक ऐसी चिंगारी सुलगी है जो अमेरिका को जंग की शुरुआत करने के लिए मजबूर कर सकती है। सीरिया में अमेरिका का एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है। आशंका है कि फाइटर जेट किसी प्रॉक्सी संगठन के हमले से गिरा है। अगर ये साबित हो गया तो अमेरिका सीरिया से लेकर ईरान तक से बदले का एक्शन शुरू कर सकता है, क्योंकि ईरान के करीब अमेरिका की तैनाती का अभियान पूरा हो चुका है और बाइडेन के एक ऑर्डर से भीषण हमले की शुरुआत हो सकती है। ना ईरान झुकने वाला है और ना इजराइल। प्रॉक्सी संगठनों के हमलों के बीच अब असली युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। ईरान इसराइल के इस जंग में दो महाशक्ति एक बार फिर आमने सामने होंगी। इसराइल की तरफ से सुपर पावर अमेरिका है तो ईरान अब रूस का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। सीरिया में हुई एक घटना युद्ध की चिंगारी को कभी भी भड़का सकती है। बुधवार को ऐसे ही एक फाइटर जेट सीरिया के आसमान में उड़ान भर रहा था। जमीन से ईरानी प्रॉक्सी का प्रहार हुआ या फिर किसी ने मिसाइल दागी, ये साफ नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद उस विमान की हालत ऐसी थी। खबर बस इतनी ही, ये जेट जमीन पर कैसे गिरा, इसमें हवा में आग लगी या जमीन पर क्रैश होने के बाद, ये भी साफ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइटर जेट अमेरिकी सेना का था। अचानक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, पायलट सुरक्षित निकलने में कामयाब हुआ। अब ये हमला है या हादसा साफ नहीं है, लेकिन अगर ये ईरानी प्रॉक्सी संगठनों का अटैक है तो अमेरिका यकीनन सीरिया में बहुत बड़ा अभियान चला सकता है। माना जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों तक रूस और ईरान के आधुनिक हथियार पहुंचाए गए हैं। अगर अमेरिकी जेट को गिराने में रूस या ईरान के हथियारों के इस्तेमाल की बात साबित हुई तो अमेरिका भी जंग की शुरुआत कर सकता है। ईरान को सबक सिखाने और इसराइल की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैयारी बेहद मजबूत है। अमेरिका ने ईरान पर समंदर से आक्रमण का ब्लूप्रिंट बना लिया है। भूमध्य सागर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन लगाया गया है, साथ ही एम्फीबियस असॉल्ट शिप द वास्प तैनात किया गया है। USS न्यूयॉर्क और USS ओक हिल भी पूर्वी भूमध्य सागर में इसराइल की समुद्री सीमा के पास लगाया गया है। हमले के लिए 5 टारगेट फिक्स किए हैं। टारगेट 1 लेबनान, टारगेट नंबर 2 गाजा, टारगेट नंबर 3 वेस्ट बैंक, टारगेट नंबर 4 इराक में ईरानी प्रॉक्सी और टारगेट नंबर 5 सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी। इसी तरह लाल सागर में USS कोल और USS लाबून गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं, जिनके टारगेट पर यमन में हूती ठिकाने हैं। फारस की खाड़ी में ठीक ईरान के पास USS सेंटिनल कोस्ट गार्ड क्लास वॉरशिप लगाया है।
जो ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ओमान की खाड़ी में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों की सुरक्षा के लिए 4 युद्धपोत लगाए गए हैं। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, द निमित्स न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल क्रूजर, यूएसएस लेक एरॉय और यूएसएस टाइकन डेरोगा। अमेरिका ईरान को चेतावनी दे चुका है। अब अगर ईरान या उसके प्रॉक्सी संगठनों की तरफ से कोई भी बड़ी गुस्ताखी हुई तो अरब एक बड़े युद्ध की आग में झुलस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और उधर वेस्ट बैंक में IDF फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। इस बीच फाइटर जेट भी बमबारी कर रहे हैं। चारों तरफ तबाही मची हुई है। इजराइल के ऐसे हमलों से हिजबुल्ला भड़क गया है और इजराइल में भारी विध्वंस की धमकी दी। वेस्ट बैंक को गाजा बनाने की जिद में नेतन्याहू तबाही मचाते जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में एयर स्ट्राइक के अलावा ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। ये वेस्ट बैंक में तबाही की तस्वीरें हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे रिफ्यूजी कैंप में हमास और PIJ के लड़ाकों को मार गिराने के लिए IDF कमांडो आगे बढ़े जा रहे हैं। IDF कमांडो अब वेस्ट बैंक में ओपन फायरिंग कर रहे हैं, जिससे बेकसूर भी टारगेट पर आ रहे हैं। ये उसी का वीडियो है। जनिन के अलावा वेस्ट बैंक के दूसरे इलाकों में भी इजरायली फोर्स जा घुसी है। जुदैया और समायर में टैंक लेकर सेना घुसी है और उन मकानों को गिराया जा रहा है जहां हमास लड़ाकों के छुपे होने की आशंका है। साथ ही सड़कों पर बिछाई लैंडमाइंस को भी हटाया जा रहा है। ये हमले के बाद की ड्रोन फुटेज है, जिसमें एक मस्जिद को गिराकर वहां ड्रोन से अंदर का वीडियो लिया गया, जिससे अंदर छुपे लड़ाकों को मारा जा सके। वेस्ट बैंक के अलावा सेंट्रल गाजा में भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इसराइल के इन हमलों से हिजबुल्ला भड़क गया है। अब उसने उत्तरी इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। रॉकेट और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरों से पहले इसराइली पोस्ट की तस्वीरें लेता है और फिर टारगेटेड अटैक कर रहा है। ये ऐसे ही ड्रोन सर्विलांस की फुटेज है, जिसे इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। अब इसराइल भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। फ्रंट लाइन पर सैनिकों का हौसला बढ़ाने और स्थिति का जायजा लेने इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू भी पहुंच गए। उत्तरी इसराइली बॉर्डर से आई ये वही तस्वीरें हैं। बेंजामिन के लौटते ही इसराइल ने लेबनान में कई हिजबुल्ला ठिकानों पर बमबारी कर दी और बता दिया कि वो हर फ्रंट पर इसी तरह लड़ेगा, फिर चाहे वेस्ट बैंक हो या लेबनान। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव को पेरिस के एयरपोर्ट से गिरफ्तार करना फ्रांस को भारी पड़ गया। डुरोव की गिरफ्तारी के बाद UAE ने फ्रांस से 1,70,000 करोड़ का सौदा रद्द कर दिया। आपको बता दें कि फ्रांस की डिफेंस कंपनी दसों और UAE के बीच लड़ाकू विमानों को लेकर डील हुई थी। अब सवाल यह है कि डुरोव की गिरफ्तारी पर UAE क्यों भड़का। 6 अगस्त को टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। डुरोव UAE से फ्रांस वाया अजरबैजान अपने प्राइवेट जेट से पहुंचे थे। जैसे ही पेरिस के बाहरी हिस्से में बने बॉर्गेट हवाई अड्डे पर डुरोव को हिरासत में लिया गया, ग्लोबल विरोध शुरू हो गया। रूस समेत कई देशों ने फ्रांस की आलोचना की, मगर इंस्टेंट मैसेजिंग और कम्युनिटी ऐप टेलीग्राम के मालिक डुरोव की गिरफ्तारी के बाद UAE ने बड़ा कदम उठाया। वो ये कि UAE ने फ्रांस से 1,70,000 करोड़ की डिफेंस डील रद्द कर दी। दरअसल साल 2021 में UAE ने फ्रांस की डिफेंस कंपनी दसों से डील की। $20 बिलियन के इस सौदे में UAE को लड़ाकू विमान देने थे। दावा है कि दसों की तरफ से UAE को 80 राफेल जेट मिलने वाले थे, मगर टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव की गिरफ्तारी के बाद UAE ने फ्रांस की डिफेंस कंपनी दसों से $20 बिलियन यानी 1,70,000 करोड़ का सौदा रद्द कर दिया, क्योंकि पावेल डुरोव के पास फ्रांस के साथ साथ UAE की भी नागरिकता थी और सबसे अहम ये कि टेलीग्राम का हेडक्वार्टर भी UAE में मौजूद है। बस फिर क्या,
जैसे ही यूएई ने फ्रांस से सौदा खत्म किया, उसके चंद घंटों बाद फ्रांस की अदालत ने टेलीग्राम के सीईओ पावल ड्यूरोव को रिहा कर दिया। आपको बता दें कि कोर्ट ने ड्यूरोव की पुलिस कस्टडी को गुरुवार तक बढ़ा दिया था, लेकिन अब वो रिहा हो चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी वो फ्रांस छोड़कर नहीं जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष।